हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय गर्ग अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विजय में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने मैं बात करूंगा कि घर पर ही बैठकर बिना पासबुक के, बिना एटीएम के, यदि आप लोगों को अपने बैंक अकाउंट से यदि आपको बैलेंस को चेक करना हो तो कैसे करना हो, और प्लस आपको कोई सा भी बैंक हो, चाहे आईसीआई बैंक हो, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे आपका कैनरा बैंक हो, किसी भी बैंक अकाउंट से जिसमें आपका अकाउंट हो उस बैंक अकाउंट से घर पर ही बैठकर आप बैंक बैलेंस को कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी पासबुक के और बिना किसी एटीएम के। तो शुरू करते हैं हम वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले यदि दोस्तों आप लोगों ने मेरे इस चैनल को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोगों को नई नई जानकारी मिलती रहे। तो चलते हैं हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं हम लोग कि हम लोगों को घर पर ही बैठकर बिना पासबुक, बिना एटीएम के यदि हमें बैंक बैलेंस अपने अकाउंट से चेक करना हो, वह भी बहुत आसान तरीके से, तो कैसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, आपको अपने प्ले स्टोर से एक छोटा सा ऐप्स आप लोगों को डाउनलोड करना है। तो हम चलते हैं प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको एक छोटा सा ऐप्स सर्च करना है, उस ऐप्स का नाम है चेक बैंक बैलेंस। सबसे ऊपर ये आ जाएगा। ऊपर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें लिखा है ऊपर से तीसरा 1 2 3, आपको ये वाला लेना है, ये वाला। तो आपको इसमें इसको आपको क्या करना है, इसको आपको डाउनलोड कर देना है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन मेरे मोबाइल में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर पाऊँगा, तो मैं जस्ट इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो ये मेरा ऐप्स ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सारे बैंक, जितने भी बैंक हैं, उनकी लिस्ट मेरे सामने इस एप्लीकेशन में, इस ऐप्स में आ जाएगी। जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। आपको लिस्ट से, लिस्ट काफ़ी बड़ी है, जो सा बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ करके आपको। मेरा बैंक अकाउंट है कैनरा बैंक में। पहले बैंक अकाउंट था मेरा सिंडिकेट बैंक में, जो कि कैनरा बैंक में मर्ज हो चुका है। तो अब मैं कैनरा बैंक को यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये पूछेगा आपसे, ये हमसे पूछेगा कि चेक बैंक बैलेंस, जो चेक बैंक बैलेंस पे क्लिक कर देना है। चेक बैंक बैलेंस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आपको स्टेटमेंट निकालना है या बैंक का बैलेंस चेक करना है। तो हमें तो फिलहाल अभी बैंक का बैलेंस चेक करना है। यदि आपको मिनी स्टेटमेंट चाहिए तो आप मिनी स्टेटमेंट भी आप यहाँ से ले सकते हैं यहाँ से, लेकिन फिलहाल तो मैं चेक बैंक बैलेंस कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये एक मिस कॉल इस बैंक के एक नंबर पर जाएगी, और जाने के बाद ये फ़ोन ऑटोमेटिक कट जाएगा। कटने के बाद आपको बैंक बैलेंस एक एसएमएस के रूप में प्राप्त होगा, और एसएमएस में आपको बताएगा कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है। लेकिन उससे पहले आपका जिस नंबर से आप उससे कॉल करेंगे, जिस नंबर मोबाइल नंबर से कॉल करेंगे, वो मोबाइल नंबर आपके उस बैंक अकाउंट से लिंक होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम चेक बैंक बैलेंस करते हैं। जैसे ही चेक बैलेंस करेंगे ये पूछेगा कि किस नंबर, कौन सा नंबर आपका उस बैंक अकाउंट से लिंक है। तो फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पर बीएसएनएल का नंबर है, मैं इसको यहाँ से क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मेरा नंबर उस वाले बैंक कैनरा बैंक के अकाउंट से लिंक है। इसके भी ये फ़ोन ऑटोमेटिक अपना कट जाएगा। कटने के बाद ये मुझे एक एसएमएस मिलेगा, जस्ट 10 सेकेंड में या 5 सेकेंड बाद मुझे मिल जाएगा। और जैसे ही मुझे मैसेज मिलेगा तो मैसेज में लिखा आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैसेज में शो करेगा कि ये मेरा बैंक में कितना बैलेंस है इस समय एट प्रेजेंट। तो मेरा दिखा रहा है 7,195.97 रुपये मेरा बैंक में अमाउंट है। तो इस प्रकार से हम लोग अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं घर बैठकर, वो भी आज की सिचुएशन में, यानी कि आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर अपने घर बैठकर ही, वो भी बिना पासबुक के और बिना एटीएम के, आप किसी भी बैंक का अकाउंट से, यानी कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उससे घर बैठकर आप अपना बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो आप लोगों को? यदि वीडियो आप लोगों को कुछ हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग मिलता रहे और आप लोगों की जानकारी बढ़ती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।